अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पंजाब पब्लिक सर्विस के आज के फाइनल रिज़ल्ट हैं। काफ़ी सारे फाइनल रिज़ल्ट हैं, वो जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले हम फाइनल मेरिट लिस्टें देख लेते हैं। तो ये चीज़ लेक्चरर फिज़िक की बीपीएस 17 की, तो इसमें 25 जो उम्मीदवार हैं वो रिकमेंड हुए हैं। ये लिस्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ और बाकी जो हैं वो किसी वजह से सिलेक्शन आर्बिट में नहीं आए, और ये इसमें जो पास हुए हैं वो 27 है। तो बाकी ये इसके बाद मैं आपको फाइनल मेरिट लिस्टें भी दिखा देता हूँ। तो काफ़ी सारी लंबी लिस्ट है, बस ओनली 20 टोटल इसके 6 पेजेज हैं, बस 25 ही उम्मीदवार क्वालिफाई कर सके हैं। तो ये जो हैं ये किसी वजह से रिकमेंड नहीं हुए, बास का इंटरव्यू फेल हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास रिटर्न रिजल्ट है जूनियर क्लर्क बीपीएस 18 का, तो इसमें ये 9 उम्मीदवार रिकमेंड हुए एंटी करप्शन में, तो बाकी ये किसी वजह से सिलेक्शन आर्बिट में नहीं आए। जो आए हैं उनको बहुत बहुत मुबारक हो। नेक्स्ट हमारे पास रिटर्न रिज़ल्ट है जी आईटन डेवलपर पार्क स्टडी का बीपीएस 16 का, तो इसमें एक ही उम्मीदवार पास हुए, इनको बहुत बहुत मुबारक हो। नेक्स्ट है जी इंटरनल ऑडिटर, तो एक ही रिकमेंड हुए हैं, बाकी किसी वजह से सिलेक्शन आर्बिट में नहीं आए। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक ही उम्मीदवार रिकमेंड हुए, अदनान महमूद वाल मोहम्मद अकरम, डिप्टी सेक्रेटरी डिप्टी कंट्रोलर एग्जामिनेशन बीपीएस 18 बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सेकेंडरी एजुकेशन साहिवाल में। असिस्टेंट डायरेक्टर की सीट है जी बीपीएस 17 की, इनमें एक ही उम्मीदवार रिकमेंड हुए हैं, बाकी किसी वजह से नहीं हुए, इनको बहुत बहुत मुबारक हो। और ये है जी असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर बीपीएस 16 का, एक ही उम्मीदवार रिकमेंड हुए हैं, बाकी किसी वजह से रिकमेंड नहीं हुए। तो ये थे हमारी फाइनल मेरिट लिस्टें, और ये हमारे पास वो फाइनल रिज़ल्ट हैं कि ये लेक्चरर फिज़िक का है, इसमें 25 जो हैं वो उम्मीदवार पास हुए थे, एक वोमेन कोटा है और एक स्पेशल पर्सन कोटा है। ये थे जी जूनियर क्लर्क के, ये जो रिकमेंडेड हैं बहुत बहुत मुबारक हो। ये जी वो आइटम डेवलपर की एक पोस्ट के लिए थे, ये इंटरनल ऑडिटर, और ये हमारे पास हैं जी डिप्टी सेक्रेटरी डिप्टी कंट्रोलर और असिस्टेंट डायरेक्टर इंडस्ट्री, और आखिरी है जी ये असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर की। तो आज के दिन में यही हमारे पास रिटर्न रिज़ल्ट आए थे और फाइनल रिज़ल्ट जो आपको बता दिए। मज़ीद कोई अपडेट आई तो शेयर कर दूँगा। खुदा हाफिज़।